हेलो मेरे देसी चटोरों, आज हम बना रहे हैं पापड़ी चाट। जब भी हम मार्केट जाएं तो चाट वाले से पापड़ी चाट खाना नहीं भूलते और ये सबको ही अच्छी लगती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, आधा कप गेहूं का आटा, एक बड़ा चम्मच बेसन, दो तीन चुटकी अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, देसी घी मोयन के लिए और पानी। अब हम परात में मैदा, गेहूं का आटा और बेसन डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालें। अजवाइन लेंगे, इसे अच्छे से हाथ से क्रश कर लेंगे जिससे इसकी अच्छी से खुशबू आती है। आटे में सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें घी का मोयन डालेंगे। हम लगभग 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे। आटे में घी डालने के बाद इसे अच्छे से मल लें। जब इस तरह से मुट्ठी में आटा आने लग जाए तो समझ लीजिए आपका मोयन परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट डो लगा लें। हमें टाइट आटा लगाना है जिससे खस्ता पपड़ी बनेगी। और अब हम इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक हम इमली की चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने इमली को पहले ही भिगो दिया था। अब मैं इसे गैस पे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। जब इमली अच्छे से उबलने लग जाए तो इसमें गुड़ डाल देंगे हम। इमली की चटनी में गुड़ डालने के बाद हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। अब एक छलनी की मदद से इसे छान लेंगे।
अब हम इसे वापस से बॉईल करने के लिए गैस पर रख देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर और नमक डाल देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमारी पपड़ी के लिए इमली की चटनी बनकर रेडी है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम हरी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने धनिया, हरी मिर्च और अदरक लिया है। अब हम मिक्सर का जार लेंगे, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नमक डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे और हरी चटनी बनाएंगे। आइस क्यूब इसलिए डाली जाती है कि चटनी का कलर ग्रीन रहे। हमारी हरी चटनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। मैंने 2-3 आलूओं को पहले से ही बॉईल करके मैश कर लिया है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला और जीरा पाउडर ऐड करूंगी। अब हम आलू के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को रेस्ट करे हुए आधा घंटा हो चुका है। इसे हम एक बार फिर से मल लेंगे। इससे हमारी पपड़ी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। अब हम एक बड़ी सी लोई को तोड़ेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। हमारी बड़ी सी एक रोटी बिल चुकी है। अब हम एक कटर या कटोरी की मदद से इससे गोल गोल पपड़ी काट लेंगे। हमारी पपड़ी बिल चुकी है। अब हम एक फोक की मदद से इसमें छेद कर लेंगे, जिससे कि ये फूले नहीं।
हम मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करेंगे और उसमें एक एक करके पपड़ियों को तल लेंगे। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लें। हमारी सारी पापड़ी तल चुकी है। अब हम पापड़ी चाट रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने पापड़ी ली है। बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च का मिक्सचर बना लिया है। चाट मसाला लेंगे, मसाले वाले आलू, नमक, सेव, मिक्सचर, हरी चटनी, इमली की चटनी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, रेड चिली पाउडर और मीठा दही लेंगे। अब हम एक प्लेट में पापड़ी रखेंगे, इस पे मसाले वाले आलू रख देंगे, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया का मिक्सचर रखेंगे। अब हम इस पे इमली की चटनी डालेंगे। अब हम इस पे ग्रीन चटनी डालेंगे। अब हम इस पे मीठा दही डालेंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे।
चाट मसाला, सेव डालेंगे, नमक डालेंगे, मिक्सचर डालेंगे, हमारी पापड़ी चाट या सेव पापड़ी बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।